भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन होता है। प्रतिमा के विसर्जन का तरीका क्या है? इस दिन प्रातः काल से उपवास रखना जरूरी है। अगर आप उपवास रखें तो बहुत अच्छा, नहीं तो केवल फल ग्रहण करें। घर में स्थापित प्रतिमा का, मूर्ति का विधिवत पूजन करें और पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूर्वा यानी दूब घास जरूर अर्पित करें। इसके बाद प्रतिमा को, मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाएं। अगर मूर्ति छोटी है तो गोद में या सर पर रख करके ले जाएं, अगर बड़ी है तो कई लोगों की सहायता से ले जाइए। प्रतिमा को ले जाते समय जो भगवान गणेश को आपने अक्षत अर्पित किया था, इसे अपने घर में अवश्य बिखेर दें। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के पट्टे वाली घड़ी या पर्स अपने पास में मत रखिए। नंगे पैर ही मूर्ति को ले जाइए और उसका विसर्जन करिएगा। प्लास्टिक की मूर्ति या चित्र ना तो स्थापित करें और ना ही इसका विसर्जन करें। मुख्यतः मिट्टी की प्रतिमा ही स्थापित की जाती है और मिट्टी की प्रतिमा का ही विसर्जन होता है। विसर्जन के बाद हाथ जोड़ करके भगवान गणेश से कल्याण और मंगल की कामना करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि स्थूल रूप में आपने भले ही उनकी मूर्ति का विसर्जन कर दिया है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो आपके साथ हमेशा बने रहें। तो ये तो हमने जान लिया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को हम गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, इसलिए ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस तिथि का क्या महत्व है? देखिए, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक अनंत सूत्र हाथ में बांधा जाता है और जब संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारायण किया जाता है, तब इसको खोल दिया जाता है। इसमें नमक का सेवन नहीं करते हैं। जब व्रत समाप्त करते हैं, पारायण करते हैं, तो मीठी चीजें जैसे सिवैयां या खीर खाते हैं। अनंत चतुर्दशी पर विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। अनंत चतुर्दशी पर प्रातः संकल्प लेकर के अनंत सूत्र पुरुष अपने दाहिनी भुजा में और महिलाएं अपनी बाईं भुजा में बांधती हैं। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करती हैं या उनकी पूजा करती हैं। संध्या काल में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है। उसके बाद बंधन को, अनंत सूत्र को खोल दिया जाता है और खोलने के बाद भगवान विष्णु से मुक्ति और मोक्ष की प्रार्थना की जाती है और इसके बाद मीठी चीजें खा करके व्रत का पारायण किया जाता है।